बांध से कब्जा हटाने सीओ और कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। बलरामपुर वाड्रफ नगर विकास खंड अंतर्गत ग्राम पंचायत मोहली में स्थित शासकीय बांध को लीज में ले रखे व मछली पालन कर रहे समूह संचालक के खिलाफ ग्रामीण लामबंद हो गए हैं और बांध को कब्जा मुक्त करने हेतु सीओ तथा कलेक्टर को लिखित ज्ञापन भी सौंपा है और मांग किया है कि जल्द से जल्द बांध को कब्जा मुक्त कराएं। ग्रामीणों ने सरपंच व सचिव पर आरोप लगाते हुए कहा कि 2014-15 में चोरी चुपके उक्त समूह को मछली पालन हेतु मजिठा नामक बांध को लीज पर दे दिया था, जिसे मुख्य रूप से किसानों को कृषि कार्य हेतु पानी भी नहीं मिल पा रहा। मामला ग्राम पंचायत मोहली विकास खंड वाड्रफ नगर का है। वहां पर 21 हेक्टेयर का एक तालाब है, जिसे भाजपा के कार्यकाल में निजी स्वार्थ के लिए नियम कानून को दरकिनार करते हुए 10 साल के लिए लीज पर दे दिया गया है। जब लीज आउट हो रहा था, उस समय किसी ग्राम पंचायत के लोगों को जानकारी नहीं थी इसकी, और जो है जबरन सरपंच सचिव से उस समय एनओसी ले लिया गया पैसे के लालच में और दबाव देकर। वहां पर ग्राम पंचायत का संपत्ति होने के बाद भी जो समिति का मालिक है, बहुउद्देशीय समिति का मालिक है, वहाँ पर जो है सार्वजनिक उपयोग के लिए उसको मना करता है, डराता है, धमकाता है, गाली गलौज करता है। इस संबंध में आज हम लोग सीओ को ज्ञापन देने आए थे और उन्होंने ज्ञापन एक्सेप्ट कर लिया है और जो है आगे की कार्रवाई के लिए हमें आश्वासन मिला है। छत्तीसगढ़ समाचार के लिए वाड्रफ नगर से आकाश साहू की रिपोर्ट।